हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12th एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज दिस 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 देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। कैसे करेंगे देखिए, लेट ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन एंड एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि ए बी सी उसके डायरेक्शन रेशियोज है और एल एम एन उसके डायरेक्शन कोसाइंस है। देयर फोर ए इज इक्वल टू -18, बी इज इक्वल टू 12, सी इज इक्वल टू -4 गिवन। गिवन है ना हमें कि डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ये क्यों किया वो भी बताते हैं हम आपको। -18 का स्क्वेयर प्लस 12 का स्क्वेयर प्लस -4 का स्क्वेयर, ये किसके इक्वल आ गया देखिए। 18 × 18 इज योर 324, 12 × 12 144। ये जो आपको स्केयर्स है 25 नंबर तक के, एक 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। ठीक है, 6 × 4 10 × 4 14 4 1 2 6 2 8 और 4। ठीक है, और ये किसका होता है 22 का। समझ आया स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया क्योंकि अभी बता देते हैं। तो हमें डायरेक्शन रेशोज ए बी सी दे रखी थी और हमें डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन फाइंड आउट करनी है। देखिए L का क्या फॉर्मूला होता है, L इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो A कितना है हमारा -18 डिवाइडेड बाय 22, ये किस पे जाएगा 2 पे, -9 बाय 11। तो ये क्या आ गया हमारा L। उसके बाद M, M क्या होता है B बाय दिस। ये फॉर्मूलेज आपको सभी को अच्छे से आने चाहिए। जिसको अगर आपको कभी भी ये हो कि अपने को सारे फॉर्मूलेज एक बार देखने हैं ना, तो आप एनसीईआरटी बुक के लास्ट पेज में एक समरी होती है उस पर भी देख सकते हैं, वरना आपके जब एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले जो आपका पोर्शन है उसमें भी सारे के सारे फॉर्मूलेज आपके गिवन हैं। ठीक है, बी कितना है 12 बाई 22, 6 बाई 11, और एन क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है -4। Therefore, direction cosines are answer। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है।